ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। मैंने जहाँ आपसे का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बेबी डॉज कॉइन के साथ साथ मार्केट का भी अपडेट दूंगा, तो मेक श्योर वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए हम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कुछ करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BTC की प्रेजेंट टाइम पर बात करते हैं तो भैया 37,732 पे ट्रेड कर रहा है, यहीं पर इथेरियम $2,087 पे ट्रेड कर रहा है। दोनों ही के अंदर कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा, हालांकि मार्केट का कंडीशन अभी भी पॉजिटिव ही बन रहा है। ज़्यादा तो साइडवे डायरेक्शन में थोड़ा सा करेक्शन लिया है 38,500। कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला मॉर्निंग सीजन। ज़्यादा दोस्तों, जैसे ही मार्केट खुलेगा तो यहाँ पर अगर बुलिश मोमेंट होता है तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है। आसार है कि 40K तक जाएगा, फिर वहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो आपको वापस से 30K तक लेके आएगा। ये एक लिक्विडेशन का खेल हो सकता है, पंप एंड डंप करवा सकता है, लॉन्ग पोजीशन को भी लिक्विडेट, शॉर्ट पोजीशन को भी लिक्विडेट। और ये कौन लोग लिक्विडेट होंगे? जो हाई लेवरेज के साथ होगा मार्केट के अंदर, वो लोग लिक्विडेट होगा। इसलिए मैं आप सबको हमेशा से ही सजेस्ट करता हूँ, चाहे लॉन्ग लो या शॉर्ट लो, लेवरेज अगर आप कम रखोगे, लेवरेज अगर आप 2x 3x लेकर रखोगे तो लिक्विडेशन का चांसेस बहुत कम होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा का ही चांस होगा। अगर यहाँ से आप लॉन्ग भी अगर क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर नीचे आता, अगर आप 2x लेवरेज ले रखे हो तो अगर 30,000 तक भी आएगा तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 30,000 से बाउंस बैक करके अगर 40,000 से 50,000 60,000 जाए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। तो ये चीज़ हो सकता है दोस्तों, अगर यहीं पे अगर आप हाई लेवरेज लेके रखोगे तो तुरंत से आप लिक्विडेट यहाँ पर से हो जाओगे। तो इसलिए बच के रहना मार्केट के अंदर, ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे बचना है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉइन्स की, तो भैया कुछ कॉइन्स ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है जहाँ दोस्तों। और कुछ कॉइन के अंदर दोस्तों अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है, अभी भी उस तरह का पंप नहीं देखने को मिला है। लाइक दैट दोस्तों, वीटाइनो उस तरह का पंप नहीं, BTTC 30-40-50% दिया तो वो कोई ज़्यादा पंप नहीं है। ब्लॉक टोपिया के अंदर उस तरह का पंप नहीं देखने को मिला, ग्रेप कॉइन के अंदर उस तरह का पंप नहीं देखने को मिला। तो ये सब एक अच्छा अभी मोमेंट बना रहा है। यहीं पर बी डॉज कॉइन 10% से भाई पंप है, 1200-1300 के अराउंड जो है, 1298 भाई 1300 आप कह सकते हो, 1300 के अराउंड अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो भाई इसके अंदर डेली बेसिस पे आप यहाँ पर अगर हम बात करें डेली बेसिस पे प्रॉफिट आप ले सकते हो, डेली बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और कर सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पर चांस है, कोई दिक्कत नहीं। UFO गेमिंग ने हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया, कमाल कर दिया दोस्तों। अभी भी 22% से पंप है। जो लोग नेगेटिव एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे थे, नेगेटिव सोच रख रहे थे, बोलती बंद कर दिया भाई, 4 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया। अब क्या चाहिए, हमने यहाँ पर अगर एंट्री लिया होगा तो 4 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल चुका होगा। ये होता है DCA करना, ये होता है पावर। तो दोस्तों देखो यार, मार्केट के अंदर पंप एंड डंप, ऊपर नीचे मार्केट जाता रहता है, बस यहाँ पर एक ही चीज़ काम आता है। क्या चीज़ काम आता है आपको पता है ना, ऑलरेडी पता है दोस्तों, बस पेशेंस और राइट टाइम पे एंट्री। जी हाँ दोस्तों, DCA राइट टाइम पे एंट्री, पेशेंस, यही चीज़ें काम आता है। और जो ये चीज़ें कर लेता है ना एंड द एंड, उसी को प्रॉफिट मिलता है। बेबी डॉज कॉइन 2 मिलियन फॉलोअर्स भाई बहुत बड़ा नंबर है। ये प्रोजेक्ट जो है इसको फॉलो कर रखा है बेबी डॉज कॉइन को, बिकॉज ऑफ उनको मालूम है कि भाई इसका क्या पोटेंशियल है, कितने बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है। देख सकते हो भाई यहाँ पर कि अगर हम बेबी डॉज कॉइन की बात करें तो भैया यहाँ पर देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर नाम जो है इसको ऑलरेडी फॉलोअर्स के अंदर है, काफ़ी बड़ा बड़ा नाम यहाँ पर फॉलो कर रखा है। और क्यों ना करेगा भाई, बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है, बड़ा नाम है, तो भाई आप खुद ही सोच सकते हो भाई। इसके साथ साथ चैरिटी इसका चल रहा है, इसका खुद का गेम है। जहाँ उसको अभी देख सकते हो भैया, डू यू नो बेबी डॉज ऑन इथेरियम हैज़ 0 ट्रांसफ़र फीस यहाँ पर इथेरियम के ऊपर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चीज़ों को ये बिल्ड कर रहा, काम कर रहा। हाँ, आपको बाय करना कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करो। अभी भी आप 1200 या 1300 के अराउंड भी अगर बाय करोगे ना, तो ये आपका कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिटेबल ही प्राइस है। बट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना रहेगा, है ना। 1100-1200 के अराउंड बाय करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचो, कम से कम नेक्स्ट बुल रन या उससे भी आगे तक सोचो, तो आपको एक मेजर, एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, मेरा जो मानना। बाकी इसके ऊपर आप अपना भी ओपिनियन कमेंट के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी ऐसे मिलकर हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कुछ करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं की तरह, गुड बाय।